के बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14.17, व्हाट आर एंजाइम्स। तो एंजाइम जो है वो हमारे बायोकैटालिस्ट होते हैं, जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो केमिकल रिएक्शन होती है उन रिएक्शन को कैटेलाइज करता है। एंजाइम हमारे कैसे होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं। तो ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन, बट ऑल प्रोटीन्स आर नॉट एंजाइम। मतलब हमारे जितने भी एंजाइम है वो सारे के सारे प्रोटीन होते हैं, लेकिन सारे के सारे प्रोटीन जो है वो एंजाइम नहीं हो सकते। एंजाइम आर स्पेसिफिक इन नेचर, इसका मतलब है कि एंजाइम जो है वो हमारा स्पेसिफिक होता है, मतलब एक स्पेसिफिक रिएक्शन के लिए एक स्पेसिफिक एंजाइम जो है वो चाहिए होता है। फॉर एग्जांपल जो हमारा सुक्रोज है C12H22O11, ये सुक्रोज है, ठीक है, ये इनवर्टेज एंजाइम इसको कैटलाइज करता है, तो ये ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज में कन्वर्ट हो जाता है, तो C6H12O6 प्लस C6H12O6, ठीक है। यहाँ पे हाइड्रोलिसिस रिएक्शन होती है, तो वाटर भी आपको लिखना होगा, ठीक। तो ये हमारा ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज बनता है, जो एंजाइम जो होता है वो रिएक्शन का जो रिएक्टेंट है उसी के नाम पे रखा जाता है, तो इसका नाम सुक्रोज है, तो इसको सुक्रेज बोलना चाहिए था, लेकिन चूंकि हमारा सुक्रोज क्या कहलाता है, इनवर्ट सुगर कहलाता है, इस कारण यहां पे जो एंजाइम यूज किया गया उसको हमने इनवर्टेज नाम रखा, ठीक है। तो एज जो है वो आपका सफिक्स होता है। फिर हमारी दूसरी केमिकल रिएक्शन है C12H22O11, ये हमारा माल्टोज है, ठीक है, इसका हाइड्रोलिसिस कराओगे तो यहां पे एंजाइम जो है यूज होता है माल्टेज। तो यहां पे दो ग्लूकोज के मोल बनते हैं, तो C6H12O6, तो दो ग्लूकोज जो है वो हमको मिलते हैं, राइट। तो माल्टेज एंजाइम जो है वो यूज किया जाता है, तो एंजाइम का नाम जो है वो रिएक्टेंट के नाम पे ही रख देते हैं, और एज जो है यहाँ पे सफिक्स यूज किया जाता है। तो हर रिएक्शन के लिए एक स्पेसिफिक एंजाइम जो है वो यूज किया जाता है।